हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुसुम आज अपने दोनों बेटों का घर बसने पर बेहद खुश थी। उसके बड़े बेटे अमर की शादी तो पहले ही एक साधारण परिवार की लड़की आरती से हो चुकी थी और आज उसके छोटे बेटे साहिल की शादी भी हो गई थी, लेकिन एक अमीर घराने की लड़की सुनीता से, जो शादी के बाद अपने ऐशो आराम की चीजें अपने साथ लेकर आई थी। कुसुम अपनी नई बहू का स्वागत करती है और बाकी के लोग भी उसके साथ ही खड़े होते हैं। तभी अपनी भाभी का इतना सुंदर लहंगा देखकर साहिल की छोटी बहन नैना बोलती है, वाओ भाभी, आपका लहंगा कितना अच्छा है, क्या आप मुझे मेरी दोस्त की शादी में पहनने के लिए ये दिखाओगी? अरे हाँ हाँ दीदी, ले लेना, वैसे भी मेरे पास ऐसे बहुत से लहंगे हैं, आप चाहो तो उनमें से भी देख लेना। सीरियसली भाभी, थैंक यू सो मच, आप तो बहुत अच्छी हो। बस करो नैना, अब नई बहू को घर में भी आने दो, दरवाजे पर ही मांगना शुरू कर दिया। कोई नहीं जेठानी जी, अब मेरे पास है तभी तो मांग रही है वो, अब जिस पे नहीं है उससे तो मांग नहीं सकती ना। कहना क्या चाहती हो नई बहू? अरे अरे बहुत बातें हो गई, चलो चलो अंदर आओ बहू। कुसुम बात को बढ़ने से पहले ही संभाल लेती है, जिसके बाद नई बहू घर में आती है और सभी उसका खुशी खुशी स्वागत करते हैं। लेकिन बीतते वक्त के साथ देवरानी जेठानी में अनबन होती रहती है, क्योंकि सुनीता बड़े घर के होने के कारण कोई काम ही नहीं करती थी और अपने कमरे में एसी चलाकर पड़ी रहती थी, जिस पे उसकी जेठानी आरती को हमेशा आपत्ति थी। एक दिन सुबह के नाश्ते के लिए कुसुम अपनी बड़ी बहू को आवाज लगाकर बोलती है, बहू, ओ आरती बहू, नाश्ता बन गया क्या? नहीं माँ जी, मैंने आज नाश्ता नहीं बनाया। पर क्यों? अरे अमर और साहिल को अभी दफ्तर जाना है, क्या वो भूखे पेट जाएंगे? तो माँ जी, सारे काम का ठेका क्या मैंने लिया हुआ है? आपकी छोटी बहू की तो ऐश है, पूरा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती है महारानी और काम सारा मेरे सर पर डाल देती है। अरे बहू, अभी वो नई है, जल्दी ही इस घर के तौर तरीके सीख जाएगी, और तू बड़ी है, तेरा फर्ज है उसको समझाना, ना कि यूं छोटी छोटी बातों पर कलेश करना। हाँ हाँ, अब तो मैं कलेश करती हूँ, एक तो सारे घर का काम करो, ऊपर से आपके जली कटी बातें सुनो। अरे देवरानी के आने पर मैं कलेश नहीं हो गई? बहू तू खामखा बातों को बढ़ा रही है, मैंने इतना भी कुछ नहीं कहा। आरती अपनी सास से नाश्ता बनाने पर बहस करने लग जाती है, तभी वहाँ सुनीता आती है और अपनी जेठानी से बोलती है, अरे जेठानी जी, बस नाश्ता बनाने की बात थी, आपने तो खामखा इतना कलेश कर दिया, रुको मैं बाहर से मंगवाती हूँ, जब जेब में पैसा हो तो ऐश ही ऐश होती है, यो कलेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। अपनी ये पैसे की गर्मी ना कहीं और जाकर दिखाना, मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। और मैं कह देती हूँ, हम दोनों इस घर की बहुए हैं तो काम तो बराबर का करना पड़ेगा। सॉरी, पर मेरे से ये घर के काम नहीं होते, इसलिए मैं अपने हिस्से के काम करने के लिए नौकर रख लूंगी, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अपना काम करके साइड हो जाना। अब मैं सबके लिए नाश्ता ऑर्डर कर देती हूँ। सुनीता घर के सभी लोगों के लिए उनकी पसंद की डिश ऑर्डर कर देती है और कुछ देर बाद जब सब खाना खाते हैं तो नाश्ते की टेबल पर अपने पसंद की डिश देखकर बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद नैना अपनी फेवरेट रसमलाई खाने के बाद बोलती है, वाह वाह आरती भाभी, आज तो आपने दिल खुश कर दिया, चरण कहाँ हैं आपके? आज खाना आरती ने नहीं बनाया बल्कि सुनीता ने मंगवाया है, वो भी 5 सितारा होटल से। सच्ची जब ही कहूँ इतना टेस्टी खाना, मसाले सारे एकदम नाप तोल के डाले गए हैं, ये आरती तो नहीं कर सकती। हाँ हाँ, मेरे हाथ के बने खाने में तो नुक्स ही होते हैं, एक काम करो ना, देवरानी जी से कह दो बाहर से पैसे दे के कुछ और मंगवा देंगी। अरे देवरानी जी, आप चिढ़ क्यों रही है मेरी तारीफ पर, अब जो अच्छा है उसकी तारीफ तो होगी ही ना। हाँ भाभी, बहुत अच्छी है। सबको सुनीता की तारीफ करता देख आरती गुस्से में खाना छोड़कर चली जाती है। उसको ऐसे जाता देख उसका पति अमर भी उसके पीछे कमरे में जाकर उससे बोलता है, अरे क्या हुआ आरती, तुम ऐसे खाना बीच में छोड़कर क्यों चली आई? आप क्यों आए हो मेरे पीछे, जाओ ना अपनी नई बहू के गुणों को देखो। अरे इतनी सी बात पर अब तुमको कलेश करना है, हद है यार। हाँ हाँ बोल लो, आप भी बोल लो कि इस घर में कलेश तो मैं ही करती हूँ, है ना? अरे ये मेरा घर है, इसीलिए मैं हर काम दिल लगा कर करती हूँ, लेकिन वो महारानी
वो तो पता नहीं कहाँ की क्वीन विक्टोरिया है, बस सारा दिन अपने बाप के पैसे का रोब झाड़ती रहती है। ऐश करवा लो जितनी मर्जी उससे। तुमसे बहस करना मेरे बस की नहीं है, मैं काम पर जा रहा हूँ, करो जो करना है। अमर अपने छोटे भाई साहिल के साथ काम के लिए निकल जाता है और अब सुनीता अपने हिस्से के काम करने के लिए एक नौकरानी रख लेती है जो ससुराल में उसके हिस्से का काम करती है। ये सब देख आरती को और गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अपनी सास के पास जाकर बोलती है, माँ जी आप देवरानी जी को कुछ बोलती क्यों नहीं है? अरे ये घर का काम है, कोई होटल थोड़ी जहाँ नौकर काम करे। अरे बहू उसको आदत नहीं है ना काम करने की, अब क्या कह सकते हैं, कहीं कोई बात बुरी लग गई तो खामखा घर टूट जाएगा। माँ जी आप ऐसे डरती रहेंगी तो काम कैसे चलेगा? अरे शादी उनकी मर्जी से हुई है तो क्या हुआ, इस घर को तोड़ देगी। सुनीता को ये समझना होगा कि ये उसका ससुराल है जहाँ हर वक्त उसे सबके साथ मिलकर चलना होगा, नौकरों की तरह ऐसे हमसे काम करवाएगी तो कैसे चलेगा। दोनों सास बहू की बात के बीच में नैना आती है और बोलती है, अरे आरती भाभी आपको क्यों चिढ़ हो रही है सुनीता भाभी से? उन्होंने अपने काम के लिए नौकर रख लिए तो फिर भी आपका कलेश खत्म नहीं हो रहा, आए दिन कोई ना कोई दिक्कत लेकर पहुंची जाती हो माँ के आगे। नैना छोटी हो तो छोटी बनकर रहो, मुझे तुम्हारे छोटे होने से कोई चिढ़ नहीं है, लेकिन हाँ अगर जब घर में दो बहुएं हैं और दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार होगा तो गुस्सा तो आएगा ही ना। रहने दो, आपको चिढ़ होती है उनसे कि इस घर में उनकी ऐश कैसे हो रही है। नैना बस, मैं तुम्हारी सुनीता भाभी नहीं हूँ जो तुम्हें लाड प्यार से अपने सर पर चढ़ा लूँ, अगर तुम गलत करोगी तो मैं तुम्हें थप्पड़ भी लगा सकती हूँ। हाथ तो लगाकर दिखाओ, भैया से बोल दूंगी। चुप हो जाओ तुम दोनों और अपने अपने कमरे में जाओ। कुसुम दोनों को अपने कमरे में तो भेज देती है, लेकिन छोटी बहू के यूं ऐशो आराम के चलते घर में बड़ी बहू का कलेश उसके घर को तोड़ने लगा था, इसलिए वो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए एक तरकीब लगाती है, जिसके लिए वो अपनी छोटी बहू को बुलाकर बोलती है, सुनीता बहू मेरा ना मीठा खाने का मन कर रहा है तो जरा मेरे लिए हलवा बना देगी? हाँ हाँ माँ जी रुकिए, मैं अभी अपनी नौकरानी से बनवाती हूँ। बहू मुझे तेरे हाथों का बना हलवा खाना है, बना दे। ठीक है माँ जी, पर मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। सुनीता रसोई में जाती है जहाँ आरती पहले से ही काम कर रही होती है, तभी सुनीता इधर उधर हलवा बनाने का सामान देखती है, लेकिन उसको समझ नहीं आता कि क्या क्या डाला जाता है। उसको ऐसे परेशान देखकर आरती उससे बोलती है, क्या हुआ देवरानी जी मेरी मदद चाहिए? वो मैं मुझे। अरे बोलो भी, इतना क्या सोच रही हो? माँ जी को मेरे हाथ का हलवा खाना है लेकिन मुझे बनाना नहीं आता, तो क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? ठीक है, माँ जी के लिए बनाना है ना, मैं मदद कर देती हूँ। आरती हलवा बनाने में सुनीता की मदद करती है। इस बीच दोनों देवरानी जेठानी आपस में कई बातें करती हैं और एक दूसरे के साथ काम करते करते भूल ही जाती हैं कि उनके बीच कोई मन मुटाव भी था, जिसके बाद हलवा बनने पर सुनीता कटोरी में डालकर आरती से कहती है, दीदी चलो मेरे साथ माँ जी को हमारा बनाया हुआ हलवा खिलाते हैं। चलो। दोनों कुसुम को हलवा देती हैं और उसको बहुत पसंद आता है, जिसके बाद कुसुम बोलती है, वाह सुनीता बहू तेरे हाथों में तो जादू है, सच्ची मजा आ गया। माँ जी हलवा मैंने अकेले नहीं दीदी के साथ मिलकर बनाया है और आज सच्ची उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को मिला और हमने बहुत सारी बातें भी की। वाह बहू देखा साथ काम करने से कितना मजा आता है, और तो और घर में खुशियाँ भी बनी रहती है, आज तुम दोनों भी साथ में कितना खुश हो, वरना तो हमेशा लड़ती ही रहती हो। अपनी सास की बातें सुनकर दोनों को अपनी गलती समझ आती है कि सुनीता हमेशा अपने ऐश के चलते घर के कामों में कभी लगी ही नहीं, और आरती ने अपने मन में बसे कलेश के चलते कभी सुनीता से प्यार से बात की ही नहीं। दोनों ही अपनी कमियों को समझते हुए अपनी सास से बोलती हैं, माँ जी अब से मैं दीदी के साथ मिलकर हर काम करवाऊंगी और मैं भी सुनीता को हर काम प्यार से सिखाऊंगी जिससे घर में सुख शांति बनी रहे। सास की समझदारी से बिना लड़ाई झगड़ा किए दोनों बहुएं अपनी अपनी कमियों को जानकर उसको सुधारने के लिए तैयार हो जाती हैं और अच्छी देवरानी जेठानी बनके सबको खुश रखती हैं। कुसुम अपने बेटे सनम की शादी चंचल नाम की लड़की से करवाती है और आरती उतारते हुए उनका स्वागत करती है, जिसके बाद वो अपनी नई बहू से बोलती है, बहू
आज से तुझ पर इस घर की सारी जिम्मेदारियां हैं। और हाँ, जरा अपनी शर्मीली ननद को भी थोड़ा मॉडर्न बनाना है, क्योंकि ये अपने नाम की तरह ही बहुत शर्मीली है। अरे माँ जी, आप चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना, अब से इस घर की सारी जिम्मेदारियाँ मेरी हैं। शर्मीली, तुम भी अपनी नई भाभी से कुछ बोलो। वेलकम भाभी। शर्मीली इतनी सी बात भी ऐसे शर्मा कर बोलती है जैसे मानो उसको क्या ही बोलना पड़ गया हो। खैर, इसके बाद चंचल और सरम अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं और कुछ देर में कुसुम शर्मीली को दूध के ग्लास देकर अपने भाई के कमरे में भेजती है, जहां जाकर शर्मीली बोलती है, भाभी वो माँ ने दिया है आप दोनों के लिए। अच्छा, थैंक यू शर्मीली, चलो आओ कुछ देर बैठो मेरे पास। ना नहीं भाभी, मुझे जाना है। शर्मीली इतना बोलकर शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है और ये देखकर चंचल अपने पति सनम से बोलती है, तुम्हारी बहन बचपन से ही इतनी शर्मीली है या फिर दिमाग पे कोई चोट लग गई है? ये क्या बोल रही हो, कोई चोट वोट नहीं लगी, वो बचपन से ही कहीं नहीं आती जाती। माँ बहुत बोलती थी कि सबसे बुलाकर मिलाकर, लेकिन ये शर्मीली सच में इतनी शर्मीली है कि उसको ज्यादा लोगों के बीच में जाना, कुछ मांगना, ये और भी कोई काम हो, हर चीज में इतनी शर्म आती है उसको। अच्छा जी, करेंगे फिर ननन जी को आज के माहौल के हिसाब से तैयार, लेकिन पहले मैं इसके शर्मीलेपन का फायदा तो उठा लूं। अगले सुबह चंचल रसोई में खाना बनाने आती है, जहां उसको शर्मीली दिखती है और वो अपनी चालाकी दिखाते हुए उससे बोलती है, शर्मीली दीदी, आपको पनीर के पराठे और सब्जी बनाने आते हैं? जी भाभी, आता है ना, मुझे माँ ने बनाना सिखाया है। अच्छा, तो आप मेरी मदद कर देंगी? जी भाभी, कर दूंगी। चंचल सारा खाना शर्मीली से बनवा लेती है, जिसके बाद वो जब सबको खाना खिलाती है तो सब उसके खाने की बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताती कि ये खाना उसने नहीं बल्कि उसकी ननद शर्मीली ने बनाया है। और शर्मीली तो शर्म के मारे वैसे ही कुछ नहीं बोलती और ऐसे ही अपनी चालाकी से चंचल सारा क्रेडिट खुद ले लेती है। दिन यूं ही गुजरते हैं, चंचल अक्सर शर्मीली के शर्मीलेपन का फायदा उठाकर अपने काम निकलवाती। और ऐसे ही एक दिन चंचल को शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए थे, जिसके लिए वो शर्मीली का सहारा लेते हुए अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, वो क्या है ना, शर्मीली दीदी को थोड़ी शॉपिंग करवानी है, आप मुझे थोड़े पैसे दे देते तो। क्या, शर्मीली को? उसने खुद बोला क्या कि उसको शॉपिंग करनी है? अरे उन्होंने खुद मुझसे बोला है, अब वो मेरे साथ इतनी कंफर्टेबल हो गई है कि अपने दिल की बातें मुझसे कहने लगी है, इसलिए आप पैसे दे दो ना। हाँ हाँ, ये लो और उसको जो पसंद हो वो दिला देना। ठीक है। चंचल सनम से पैसे लेकर शर्मीली को शॉपिंग पर अपने साथ ले जाती है, जहाँ वो उसको दो सस्ती सी ड्रेसेस दिलवा कर बाकी पैसों से खुद शॉपिंग करती है और घर आकर उसकी ड्रेसेस को महंगी डिजाइनर ड्रेसेस बताती है। ऐसे ही चंचल अपनी चालाकी से अपनी शर्मीली ननद का फायदा उठाया करती। लेकिन एक दिन कुसुम अपनी बहू से बोलती है, बहू शर्मीली की भी उम्र हो गई है शादी लायक, कोई अच्छा सा लड़का देखना शुरू कर दे उसके लिए। अच्छा माँ जी, आपको दीदी के लिए कैसा लड़का चाहिए? बेटा, लड़का अच्छा हो और जान पहचान का हो तो और सही रहेगा, क्योंकि तू तो शर्मीली का शर्मीलापन जानती ही है, उसको घुलने मिलने में बहुत समय लगता है। अगर कोई बाहर का लड़का मिल गया तो फिर दीदी के शर्मीलेपन से जो फायदा मुझे हो रहा है ना, वो मिलना बंद हो जाएगा। एक काम करती हूँ, इस शर्मीली की शादी अपने ही भाई से करवा देती हूँ, मेरा तो हर तरफ से फायदा ही फायदा हो जाएगा। बहू बहू कहाँ खो गई, बताना कोई रिश्ता है या मैं अपने पंडित जी से बोलूं? नहीं नहीं माँ जी, मेरी नजरों में एक परफेक्ट रिश्ता है दीदी के लिए। कौन है बहू? माँ जी, मेरा खुद का भाई है ना समर, आप उससे करवा दीजिए दीदी की शादी, मेरा भाई बड़ा भला है और हाँ, दीदी का शर्मीलापन भी अपनों के बीच रहकर जल्दी दूर हो जाएगा। पर तेरा भाई, वो मान जाएगा? माँ जी क्यों नहीं मानेंगे, वो भी तो समीर के लिए लड़की देख रहे हैं ना, पर दीदी से अच्छी उन्हें कौन मिलेगी भला। चंचल अपनी चालाकी दिखाते हुए शर्मीली के लिए अपने भाई का रिश्ता लाती है, ताकि वो अपनी ननद के शर्मीलेपन का फायदा उठा सके। अब वो अपने भाई समर को मनाने के लिए उसे कॉल करके बोलती है, समर भाई देख, मैंने तेरे लिए ना एक लड़की देखी है, शक्ल से भले ही बहुत सुंदर नहीं है
लेकिन हाँ, उससे शादी करेगा ना तो तेरा भी फायदा है और मेरा भी बड़ा फायदा है। वो कैसे, और वो लड़की कौन है? चंचल अपने भाई समर को अपनी ननद के बारे में सब बताती है, जिसके बाद वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही दिनों में देख दिखाई करके दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। ये देखकर सनम बोलता है, चंचल अच्छा है मेरी बहन तुम्हारे घर जा रही है, मुझे अपने साले उर्फ होने वाले जीजा जी समर पर पूरा विश्वास है, वो मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखेगा। हाँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मेरा भाई दीदी को सर आँखों पर बिठा के रखेगा। चंचल कुछ समय में ही अपनी ननद की शादी अपने भाई से करवा देती है, जिसके बाद दोनों भाई बहन शर्मिली का बहाना बनाकर कभी कैश मांगते तो कभी कुछ और कीमती चीजें मांगते। ऐसे ही एक दिन समर शर्मिली से बोलता है, शर्मिली देखो हमारी शादी को एक दो हफ्ते हो चुके हैं, तुम ऐसे मुझसे शर्माती रहोगी तो हम अपनी जिंदगी आगे कैसे बढ़ाएंगे? पर समर जी, मुझे कुछ और टाइम दीजिए, मैं धीरे धीरे खुद को इस घर में ढाल रही हूँ, जब मैं पूरी तरह कंफर्टेबल हो जाऊंगी तब हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखो मैं तुम्हारा ये शर्मीला अंदाज और नहीं झेलूंगा, पति हूँ तुम्हारा, शादी करके तुमको मैं यहाँ घर संभालने नहीं लाया, मेरी भी कुछ जरूरतें हैं जो तुमको पूरी करनी होगी। पर आपने तो बोला था ना भाभी को कि आप मुझे पूरा पूरा समय देंगे, अब आप ऐसे फोर्स कर रहे हैं। मेरे से जुबान लड़ाती हो? अरे एक तो तुम जैसी लड़की से मैंने शादी करी उसका तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए, ऊपर से तुम मुझे जवाब दे रही हो, अब कहाँ गई तुम्हारी शर्म? और ठीक है टाइम चाहिए ना, मैं टाइम दूंगा, लेकिन अपनी माँ से जाके बोलो मुझे पहले गाड़ी दिलाए। पर मैं ऐसा नहीं कह पाऊंगी, और समर जी वैसे ही आप बहुत कुछ ले चुके हैं मेरे नाम से, जबकि मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा अपने परिवार से, आप मेरे नाम पर हमेशा उनसे मांगते हैं। बहुत ज्यादा बोल रही है, अब दोबारा मेरे सामने जुबान खोली ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं है। समर ने शर्मिली से शादी इसीलिए की थी ताकि वो और उसकी बहन चंचल जो कि शर्मिली की भाभी भी थी, दोनों मिलकर उसके शर्मीले और भोलेपन का फायदा उठाकर उसके जरिए अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन शर्मिली भी आखिर कब तक चुप रहती? आज उसने शर्म भूलकर समर को जवाब दिया जो कि समर को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और वो उसको थप्पड़ मारकर चला गया, जिसके बाद वो अपनी बहन को कॉल करके बोलता है, दीदी एक तो मैंने आपके कहने पे इस शर्मिली से शादी करी और अब ये मुझे ही जवाब दे रही है, आपने तो बोला था ये बचपन से ही बहुत शर्मिली है और कभी जुबान नहीं खोलेगी। यहाँ तो कभी नहीं खोली, मैंने कई बार उसका बहाना लगाकर सासू माँ और अपने पति से कितनी चीजें ऐठी हैं। बाकी कोई बात नहीं, मैं वहाँ आकर देखती हूँ, बात करती हूँ। एक तरफ समर की बातें शर्मिली सुन लेती है तो दूसरी तरफ चंचल की बातें उसकी सास कुसुम सुन लेती है, जो अपनी बेटी के खिलाफ इतनी सारी सच्चाई जानने के बाद अपने बेटे सनम को सब कुछ बता देती है। और ये सब सुनकर सनम गुस्से में घर आता है और चंचल को कमरे से घसीटता हुआ बाहर हॉल में लाकर पटकते हुए बोलता है, अरे तुमको शर्म नहीं आई मेरी भोली भाली बहन की जिंदगी बर्बाद करते हुए? तुम अच्छे से जानती थी उसका स्वभाव, वो बहुत शर्मीली है, तो तुमने उसकी मदद करने की बजाय उसका फायदा उठाया। अरे डायन भी सात घर छोड़कर वार करती है लेकिन तुमने तो अपना ही घर खा लिया। नहीं सनम जी, मैंने कुछ नहीं किया। इन सब के बीच शर्मिली रोते हुए अपने घर आती है, जहां वो पहले ही अपनी भाभी को ऐसे जमीन पर गिरा देखकर अपने भाई के पास आकर बोलती है, भाई ये भाभी को ऐसे कैसे जमीन पर बिठाया हुआ है? पहले तू बता ये तेरे मुंह से खून कैसे निकल रहा है? शर्मिली समर की सारी सच्चाई अपने भाई और माँ को बता देती है। ये सुनकर कुसुम बोलती है, बहू तुझे मेरी भोली भाली बेटी ही मिली थी बर्बाद करने के लिए, लेकिन कोई नहीं, अगर मेरी बेटी तेरे भाई की बीवी है ना तो तू भी शर्मिली के भाई की बीवी है, इसलिए हम तुझे घर से निकालते हैं, जा और अपने भाई के पास रह, उसे भी तो पता चले कि जब बहन पर दुख आता है तो कैसा लगता है। माँ सही कह रही है, निकलो हमारे घर से। कुसुम और सनम चंचल को घर से निकाल देते हैं, जिसके बाद समर अपनी बहन को मायके में रहता देखकर अपनी गलती को याद करते हुए पछताता है और वो उसको सुधारने के लिए शर्मिली के घर जाता है, जहां वो सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता है और शर्मिली को हर खुशी देने का वादा करता है। उसके साथ चंचल भी अपनी चालाकी दिखाने के लिए अपनी सास पति और ननद से माफी मांगती है और सब एक बार फिर से नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करते हैं।
दामिनी अपने लिए मार्केट से कुछ स्वेटशर्ट लेकर घर आती है और उन्हें ट्राई करके अपनी माँ डिंपल को दिखाते हुए बोलती है, तो बताओ मैं इस शर्ट में कैसी लग रही हूँ? जैसी रोज लगती है। माँ कैसी बातें कर रही हो, ये मेरी नई शर्ट है, ड्रॉप शोल्डर नॉट शॉर्ट शर्ट। है तो शर्ट ही ना, अब जाकर तू अपना काम कर और मैं अपना काम करती हूँ। ये बोलकर डिंपल काम करने के लिए किचन में चली जाती है और दामिनी अपने कमरे में जाकर अपनी कुछ पिक्स लेने लगती है। और थोड़ी देर बाद डिंपल के फोन पर उसकी बहन कांता का कॉल आता है, तो डिंपल से वो बोलती है, लगता है तो अपनी बहन को भूल ही गई है, ना कोई फोन ना कोई मैसेज। कैसी बात कर दी तूने कांता, भला तुझे भी कोई भूल सकता है? अगर कोई सोचे भी ना तुझे भूलने की तो तू उसे भूलने ही नहीं देगी। मतलब क्या है तेरा, मैं चेपू हूँ? अरे तूने तो मेरी बातों का गलत मतलब निकाल लिया, मैं तो ये बोल रही थी कि तू हर समय लोगों की मदद के लिए तैयार रहती है, भला ऐसे इंसान को भी कोई भूल सकता है? वो तो है, वैसे भी अब अपना अपने के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? क्यों, वैसे मैंने तुझे दामिनी की शादी के लिए फोन किया था, लड़की की उम्र हो गई है, कोई लड़का अच्छा सा देखा है या नहीं? अभी तक तो नहीं देखा, अगर तेरी नज़र में कोई है तो बता दे। डिंपल दामिनी की शादी के लिए कांता को बोलती है। कांता डिंपल से बात कर उसको कुछ लड़कों की फोटोज भेजती है, जिसमें से आरव नाम के एक लड़के को वो पसंद कर लेती है और वो दामिनी के पास जाती है और उससे बोलती है, दामिनी ये देख ये लड़का कैसा है? माँ लड़का लड़के जैसा ही होता है। ओहो, मेरा मतलब है कि तेरे लिए ये लड़का ठीक है? तू बता तुझे ये लड़का कैसा लगा? माँ लड़का तो अच्छा है, पर इसकी शर्ट अच्छी नहीं है, इसलिए मैं इसे रिजेक्ट करती हूँ। अरे ऐसे कौन मना करता है? मैं? ओ माँ देखो, अगर आपको लड़का पसंद करना है ना, तो ऐसा लड़का पसंद करना जिसे स्वेटशर्ट पहनने का शौक हो, बिल्कुल मेरी तरह। अच्छा माँ अब मुझे नींद आ रही है तो मैं सोने जा रही हूँ। इतना बोलकर दामिनी जाकर सो जाती है और डिंपल कांता को कॉल करके उससे बोलती है, ये लड़का तो ठीक है पर इसकी कुछ और फोटोज हैं जिसमें ये और स्मार्ट लग रहा हो, ताकि दामिनी इसी को पसंद कर सके। अरे फोटो तो बहुत है लड़के की, तू बस मुझे दामिनी की पसंद बता, ताकि वैसी ही फोटो हम दामिनी को दिखा सके जैसा लड़का उसे पसंद है। कांता के पूछने पर डिंपल उसको दामिनी की पसंद बताती है और कांता बहुत जल्द लड़के को बोलकर उसे स्वेटशर्ट वाली फोटो मांगकर डिंपल को देती है। डिंपल के पास फोटो आते ही डिंपल दामिनी के पास जाती है और उसको आरफ की फोटो दिखाकर उससे बोलती है, बता ये लड़का कैसा है? माँ अब मैं बच्ची नहीं हूँ, क्योंकि आप मेरी शादी के लिए रिश्ता देख रही हैं। इसका मतलब कि मैं बड़ी हो गई हूँ, और ये वही लड़का है ना जिसे मैंने रिजेक्ट किया था, पर मुझे इस बार ये लड़का पसंद है। पक्का पसंद है ना, तो फिर इस लड़के को हाँ बोल दूँ? हाँ माँ हाँ बोल दो। डिंपल कांता को कॉल करके रिश्ते के लिए हाँ बोल देती है और साथ ही लड़के वालों को घर बुलाती है। कुछ ही दिनों में लड़के वाले दामिनी को देखने उसके घर आते हैं, जहां दामिनी लेस ड्रॉस्ट्रिंग स्वेटशर्ट पहनकर बाहर आती है और आरव और उसकी माँ कनक से बोलती है, मेरी मम्मी को तो कभी अच्छी नहीं लगती, आप ही बता दीजिए कि मैं इस शर्ट में कैसी लग रही हूँ? दामिनी ये क्या कर रही है, ये लोग तुझे यहाँ देखने आए हैं, जा जाकर कपड़े चेंज करके आ। अरे डिंपल जी कैसी बातें कर रही हैं, हमें आपकी बेटी ऐसे ही बहुत पसंद है, तुम्हें पता है बेटी मेरे बेटे को भी ऐसे कपड़े पहनने का बड़ा शौक है। पता है मुझे, तभी तो मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ किया है, ताकि मुझे ससुराल में जाकर स्वेटशर्ट पहनने में कोई दिक्कत ना हो। वैसे मैं और आरव कुछ देर अकेले में बात कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो, जाओ। दामिनी आरव के साथ बाहर जाती है, जहाँ दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। एक दूसरे को जानने पहचानने के बाद दोनों अंदर जाते हैं और दोनों की माँ पंडित को बुलाकर दोनों की शादी की डेट फिक्स कर देती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और देखते ही देखते उन दोनों की शादी की डेट पास आ जाती है। दामिनी अपनी शादी वाले दिन भी लहंगे के ऊपर शर्ट पहन लेती है और लहंगे के ऊपर शर्ट देखकर डिंपल दामिनी से बोलती है, ये क्या पहन लिया? बेटा आज तेरी शादी है,
कम से कम आज के दिन तो जोकर मत बन। माँ, इट्स अ फैशन, इट्स अ स्टाइल यार। चलो अब जल्दी से, सब मंडप में मेरा वेट कर रहे हैं। पर ये सब परवर कुछ नहीं, आप चलो मेरे साथ। तामिनी अपनी माँ के साथ बाहर जाती है, जहाँ सब लोग उसका स्वेट शर्ट का फैशन देखकर उस पर हंसने लगते हैं। दामिनी पर सबको हंसता देखकर आरफ सबसे बोलता है, वैसे तो आप सब खुद को मॉडर्न बोलते हो, पर आज दामिनी का ये लुक देखकर हंस रहे हो। आखिर इस कपड़ों में खराबी क्या है? सही बोल रहा है मेरा बेटा, मेरी बहू तो इस लुक में चांद का टुकड़ा लग रही है। चलो चलो, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। आरव और कनक की बातें सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं, जिसके बाद आरव और दामिनी की बड़े ही धूमधाम से शादी होती है। शादी पूरे होने के बाद दामिनी अपने ससुराल में जाती है, जहाँ दामिनी अपने मायके की ही तरह स्वेट शर्ट ही पहना करती। ऐसे ही एक दिन कनक की एक पड़ोसन उसके घर आती है और दामिनी को देखकर उससे बोलती है, अरे बेटा, कनक बहन घर में है, अगर है तो बुला दो। हाँ हाँ आंटी जी, मैं अभी बुला देती हूँ। दामिनी अपनी सास के कमरे में जाकर घर आई पड़ोसन के बारे में बताती है, जिस पर कनक अपनी बहू से बोलती है, ओहो, ये फिर से आ गई। हाय हाय, अरे बहू तू जा, जाकर जल्दी से साड़ी पहन ले, वो तुझे ही देखने आई है। पर माँ जी, उन्होंने तो मुझे देख लिया। क्या देख लिया? अरे रब्बा, अब तो उसी की सुननी पड़ेगी। ये बोलकर कनक अपनी बहू के साथ बाहर जाती है, जहाँ उसकी पड़ोसन उसको देखते ही उसे गले लगाकर बोलती है, अरे माफ करना कनक, मैं लल्ला की शादी में आ नहीं पाई। अच्छा तेरी बहू कहाँ है? मैं तो उसी से मिलने आई हूँ, जरा मैं भी तो देखूँ अपने आरव लल्ला की बहुरिया कैसी है। आंटी जी, मैं ही आरव की बीवी हूँ, इस घर की बहू। बहू इस घर की? माफ करना बहू, पर बहू इन स्वेट शर्ट में अच्छी नहीं लगती। मेरी मानो तो अपना टेस्ट चेंज कर लो। पता है शादी से पहले हमारी बहू भी छोटे छोटे कपड़े पहनती थी, पर शादी के बाद उसने अपना टेस्ट चेंज कर लिया और अब देखो, अब जो भी मेरी बहू को देखता है उसकी तारीफ करते नहीं थकता। ये बोलकर कनक की पड़ोसन उसको अपने बहू बेटे की कुछ फोटोज दिखाती है, जिसमें उसके बेटे ने फॉर्मल ड्रेस और बहू ने कांजीवरम साड़ी डाली होती है। उसके बहू बेटे का ये लुक देखकर दामिनी बोलती है, वाओ, क्या क्लासिक लुक है यार। माँ जी, अब से मैं भी ऐसे ही ड्रेस पहनूंगी। ये बोलकर दामिनी आरव को कॉल करने जा ही रही होती है कि आरव उसके लिए कुछ और स्वेटशर्ट लेके आता है, जिसे देखकर दामिनी आरव से बोलती है, अरे अब हमारी शादी हो चुकी है और शादी के बाद मैं अपना ये स्वेटशर्ट वाला लुक बदलना चाहती हूँ, तो मुझे नया लुक पसंद आ गया, इसलिए अब मैं ऐसी बनकर रहूंगी। दामिनी, मैंने तुम्हारे लिए फॉर्मल ड्रेस छोड़कर ये स्वेटशर्ट वियर करना शुरू किया और अब तुम ही? मुझे नहीं पता, मुझे ये स्वेटशर्ट अब नहीं पसंद, आप अभी मेरे साथ चलो और मुझे कांजीवरम साड़ी दिलाओ। ये बोलकर दामिनी आरफ को उसी समय अपने साथ शॉपिंग पर लेके जाती है और अपने लिए कुछ साड़ियाँ लेकर आती है, जिसके बाद दामिनी स्वेटशर्ट को छोड़कर साड़ियाँ पहनना शुरू कर देती है। अनीता एक बहुत ही आलसी किस्म की लड़की थी, वो पूरा दिन बस टीवी देखती और फोन चलाने में अपना टाइम पास करती रहती। उसका कमरा पूरा दिन फैला पड़ा रहता था, यहाँ तक कि वो इतनी आलसी थी कि काफी दिन तक तो नहाती ही नहीं थी। उसकी माता शालिनी और पिता महेंद्र इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहते थे। ऐसे ही एक दिन, अनीता, ओ अनीता, जरा यहाँ मेरी मदद कर। अनीता अपनी माँ को कोई जवाब नहीं देती, बस चुपचाप हेडफोन लगाकर अपने फोन में गेम खेलती रहती है। उसकी माँ उसके कमरे में जाती है तो देखती है, हे भगवान, क्या करूँ मैं इस लड़की का, सारा दिन फोन का कीड़ा बनी रहती है। अरे ओ महारानी, सुन रही है या नहीं? कानों में रुई डाल के बैठी है क्या? क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो आप? अरे कम से कम थोड़ी देर के लिए इस बिस्तर से उठ जाया कर और थोड़ा काम कर लिया कर। कमरा देख अपना, क्या हालत बना रखी है। अरे माँ, सब ठीक तो है, आप भी ना, यार मेरा कमरा है, मैं चाहे जैसे मर्जी रखूं। चिची, ये गंदे बदबू आ रही है तुझमें से। अरे मरी, कितने दिन हो गए तुझे नहाए हुए, देख एक किलो मैल जम गई तेरे ऊपर।
पिछले संडे ही तो नहाई थी। एक काम करो, मेरी बारी का ना आप ही नहा लो, मैं नहीं नहा रही। मैं जैसे चाहूँ वैसे रहूंगी। अच्छा बताओ तुझे, मैंने भी तेरा ये इंटरनेट बंद ना करवा दिया ना, फिर देखियो और पड़ी रही है सारा दिन अपने कमरे में। नहीं नहीं मम्मी, मैं सारा कमरा साफ कर दूंगी, पर अब इंटरनेट का कनेक्शन मत कटवाना प्लीज मम्मी। नहा भी लूंगी साबुन लगा लगा के अच्छे से। हाँ हाँ ठीक है, चल अब जल्दी से अपना कमरा ठीक कर ले, और हाँ अपना ये जुग्राफिया सुधार ले, वरना कोई बेहोश हो जाएगा तेरे पास आके। शालिनी वहाँ से चली जाती है और अनीता अपना कमरा संगवाने में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। महेंद्र और शालिनी अपनी बेटी की शादी करवाने के बारे में सोचते हैं। कुछ ही दिनों में अनीता के लिए आरव नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है, जो अपनी माँ काजल के साथ अनीता को देखने उसके घर आता है, जहाँ शालिनी और महेंद्र दोनों ही उनका स्वागत करते हैं। अरे बहन जी आइए आइए, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं भाई साहब, आप बताइए कैसे हैं आप सब? जी हम बस बढ़िया, आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए आइए बैठिए। अरे बेटा तुम भी खड़े हो, आओ आओ। जी अंकल। वैसे बेटा तुम करते क्या हो? मैं एक MNC कंपनी में जॉब करता हूँ। भाई साहब बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आप जरा लड़की को तो बुलाइए। जी जी जरूर। अरे बेटी अनीता जरा चाय नाश्ता तो लाना। अनीता तैयार होकर चाय नाश्ता लिए वहाँ आ जाती है। आरव उसे पहली ही नजर में पसंद कर लेता है। दोनों परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद अनीता और आरव की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, पर अनीता की काम चोरी की आदत नहीं जाती। वो सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती, ना तो वो रसोई में बर्तन धोती, ना अपने कपड़े बदलती, ना ही घर का कोई काम करती, और इस वजह से पूरे घर में मक्खियाँ भिनभिनाने लगती हैं। उसकी सास काजल, जो कि एक बहुत ही सफाई पसंद औरत थी, उसे अपनी बहू की ये हरकतें देखकर बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही एक दिन जब उसकी सास के सब्र का घड़ा भर जाता है, तब वो गुस्से में आकर उसके पास जाती है। अरे कोई शर्म नहीं है क्या तुझे? सारा दिन मरी भैंस की तरह पड़ी रहती है, और ये क्या कमरे का हाल बना रखा है तूने? क्या हुआ माँ जी, सब ठीक तो है और मुझे सब ऐसे ही पसंद है। अरे काम नहीं करना तो मत कर, कम से कम नहा धो तो ले। कितनी गंदी बदबू आ रही है तुझ में से, घिन आ रही है मुझे तुझे देखकर। तो किसने कहा था कि आप आओ मुझे देखो मुझसे बात करो? मैंने थोड़ी ना बुलाया था, अब खुद ही आई है। हे भगवान कैसी बहू मिली है मुझे। अरे तुझसे अच्छे तो गली के कुत्ते होते हैं, कम से कम पूंछ से जगह को साफ कर कर बैठते हैं। तो उन्हीं से करवा देती ना अपने बेटे की शादी, मुझसे क्यों करवाई? और अगर आपको ज्यादा ही दिक्कत हो रही है ना तो खुद कर लो, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। काजल अपनी बहू को बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और खुद ही अपने पूरे घर का काम करने लगती है। दिन बीतते जाते हैं। अनीता रोज बिना नहाए धोए गंदे हाथों से मैले हाथों से खाना खा लेती और खाकर फिर से सो जाती। ऐसे ही एक दिन अनीता की माँ शालिनी उसके ससुराल आती है, तो वो देखती है कि उसकी सास तो काम कर रही है और उसकी बेटी आराम से बैठी खा रही है। तो वो कहती है, अनीता ये सब क्या है, तुझे जरा शर्म नहीं आती? अरे तेरे होते हुए तेरी सास सारा काम कर रही है। माँ अब आप भी मत शुरू हो जाओ, मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहूँ वैसे रहूँ, जो चाहे वो करूँ, ये सबको मुझसे दिक्कत है क्या? अरे बेशरम कुछ तो शर्म कर ले, यही सिखाया है मैंने तुझे, अपने माता पिता का नाम मिट्टी में मिला दिया, नामकूल। हाँ ठीक है मिला दिया। शालिनी गुस्से से अपनी बेटी को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है और वहाँ से चली जाती है। वक्त बीतता जाता है और अनीता की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। उसकी पूरी बॉडी गंदगी की वजह से टैन होना शुरू हो जाती है, साथ ही खुशली भी होने लगती है। ऐसे ही एक शाम जब वो खाना खाती है तो उसके पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वो बार बार उल्टियाँ करने लगती है।
अनीता की बिगड़ती हालत देखकर आरव उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। यहाँ डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, साथ ही उसके कई ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ अनीता को? वो ठीक तो है ना? जी, आपकी बीवी को डायरिया हो गया है। ये ज्यादातर गंदे हाथों से खाना खाने और खुद की सफाई ना रखने की वजह से हुआ है, साथ उनको स्किन रैशेस का भी इश्यू हो गया है। आरव अपनी पत्नी को लेकर घर लौट जाता है, जहां आरव और काजल मिलकर उसका खूब ख्याल रखते हैं। वक्त बीतता जाता है, अनीता को अपनी गलती का एहसास होता है, साथ ही वो ये भी समझ जाती है कि सफाई हमारी लाइफ में कितनी ज्यादा जरूरी है और वो सभी से माफी मांगती है। माँ जी, आरव जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने आलस के चलते कभी कोई काम नहीं किया, ना खुद की सफाई का ख्याल रखा, जिसकी वजह से ये सब हुआ। आप लोगों ने हमेशा मेरा भला चाहा, मेरा साथ दिया, और मैंने हमेशा आपको दुख दिया। मुझे माफ कर दीजिए। अरे बहू, जब जागो तभी सवेरा। अब तू अपना और इस घर का ख्याल रख, यही तेरी माफी है। माँ जी, प्रॉमिस, अब से मैं अपनी और घर की दोनों की सफाई का पूरा ख्याल रखूंगी, साथ ही अपने एक अच्छी बहू होने का पूरा फर्ज निभाऊंगी। इस तरह अनीता को सफाई का महत्व समझ आ जाता है और वो साफ सुथरा रहना शुरू कर देती है, साथ ही अपने घर की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभालती है। अनीता में आए इस बदलाव को देखकर आरव और काजल को भी बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और फिर सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिप्रा एक बहुत ही रंगीले मिजाज की लड़की होती है, जिससे हर वक्त बस हंसी ठिठोली करना अच्छा लगता था। उसके परिवार में उसके पिता रमेश और माँ सुभांगी थे। ऐसे ही हंसी खुशी वक्त बीतता रहता है और एक सुबह शिप्रा कॉलेज जा रही होती है। कॉलेज में तीन लड़के रियांश, कृष्णा और अभय आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी रियांश कहता है, अरे भाई कृष्णा, क्यों ना आज अभय से एक डेयर करवाया जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों भाई अभय, तैयार है तू? हाँ तो बोलो, क्या करना है? इस गेट से जो भी लड़की सबसे पहले आएगी, तुझे उसे किस करना होगा, बोल। अबे पागल है क्या? क्यों भाई, निकल गई हवा? अरे मैं नहीं कर रहा यार ये सब। लूजर लूजर लूजर। अच्छा अच्छा, ठीक है यार, जा रहा हूँ मैं। अभय डेयर करने को तैयार हो जाता है और गेट की तरफ देखता है तो वहाँ सबसे पहले शिप्रा आती है। अभय शिप्रा को देखता ही रह जाता है। शिप्रा उसको देखकर कहती है, हेलो, ओ मिस्टर, क्या बैरियर बन के खड़े हो, हटो आगे से। वो मैं तो... क्या वो? हाँ जी, मेरे दोस्तों ने मुझे डेयर दिया था कि मुझे डेट पर जाना होगा उस लड़की के साथ जो यहाँ पे पहली आएगी और उसको किस भी करना होगा। बस इतनी सी बात? शिप्रा अभय का हाथ पकड़कर उन लड़कों के सामने ले जाती है और सबके सामने अभय के गालों पर किस कर देती है और कहती है, डेयर कम्प्लीटेड। इतना बोलकर शिप्रा वहाँ से चली जाती है। सारे लड़के बस उसको देखते ही रह जाते हैं। तभी अभय उसके पीछे जाता है और उसको रोक कर कहता है, थैंक यू यार, वैसे माय नेम इज अभय एंड यू? शिप्रा। ओह नाइस नेम, क्या मैं आपका फोन नंबर ले सकता हूँ? हाँ जी क्यों नहीं, नोट करो, 100। क्या? कॉल कर लियो, तेरा बापू फोन उठाएगा, समझा? अरे नहीं यार, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता, मैं बस तुम्हें इतना बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे तुम्हारा नंबर मांग रहा हूँ और तुम मुझे पता नहीं क्या ही समझ रही हो। अच्छा ठीक है, इतना सेंटी भी मत मारो, नोट करो नंबर। दोनों अपना नंबर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। वक्त बीतता जाता है, दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो दोनों ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ बिताना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां प्यार में बदल जाती हैं। ऐसे ही एक दिन अभय शिप्रा को मिलने एक होटल में बुलाता है, जहां शिप्रा एक लड़के के साथ अभय से मिलने जाती है। लड़के को साथ आता देखकर अभय कहता है, शिप्रा ये कौन है? अभय, मैं तुमसे अब और नहीं छुपा सकती। क्या?
हाँ अभे, ये मेरा फियांसे है। क्या? हाँ, हमारी सगाई को 1 साल हो चुका है। तो मेरे साथ प्यार का दिखावा क्यों किया तुमने? मुझे नहीं पता, बस मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हुई और बस। कोई बात नहीं यार, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, जो जैसे मर्जी जिसके साथ रहना चाहे रह ही सकता है। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, बाय। अरे रुको रुको, मैं क्या कह रही थी कि मैं तो ये सब मजाक कर रही थी, कैसा लगा? अरे जाओ यार, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। मेरा बच्चा नाराज हो गया। ले। ऐसे ही समय बीतता रहता है और अब है शादी की बात करने अपने पिता लाल सिंह और माँ निर्मला के साथ शिप्रा के घर आ जाता है। दोनों के घर वाले उनका रिश्ता पक्का करके कुछ ही महीनों बाद उनकी शादी करवा देते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है और शिप्रा का रंगीला मिजाज उसके ससुराल में खुशी का माहौल बना देता था। ऐसे ही एक दिन 2000 का नोट लेकर एक धागे से उसको बांध देती है और नोट को अपने घर के हॉल में रख देती है और धागे का दूसरा हिस्सा अपने हाथ में पकड़कर खुद को घर के कोने में छुपा लेती है। तभी उसकी सास वहां से जा रही होती है और उसकी नजर उस 2000 के नोट पर पड़ती है। वो चारों तरफ देखती है, किसी के ना होने पर वो नोट उठाने के लिए आगे जाती है तो वही शिप्रा उस नोट पर बंधे हुए धागे की मदद से नोट थोड़ा आगे खींच लेती है। उसकी सास बार बार कोशिश करती है लेकिन शिप्रा हर बार नोट को खींच लेती है। उसकी सास फिर से चारों तरफ देखती है, इस बार शिप्रा उसको नजर आ जाती है। तब उसकी सास उससे कहती है, क्या री, तुझे मैं ही मिली हूँ बनाने के लिए। कुछ भी बोलो माँ जी, लेकिन बहुत मस्त था जो भी था। बेशरम, बेहया, जितना मन तू इन काम काजन में लगात है, अगर उतना मन घर के काम काजन में लगा लिया हो तो कुछ कल्याण हो जात। माँ जी, मैंने ये सिर्फ आपके लिए नहीं किया था, इसमें तो इनको भी फसाना था, पर देखो फस सिर्फ आप गई, अब मैं क्या करूँ। चल जा अब काम कर, कुछ दिनों में होली आने वाली है, इतना सारा काम पड़ा है और इनका मजाक लगी है। वाओ, होली, मुझे होली बहुत पसंद है। का बोली? लोगों को भिगोना, कलर लगाना, गुब्बारे फोड़ना, आय हाय हाय हाय। देख बहू, एक बात हमेशा याद रखना, हमारे घर में कोई रंग वंग से होली नहीं खेलत, तो ई बात दिमाग में बैठाई लो अच्छे से, घर में कोई रंग वंग नहीं आएगा। शिप्रा वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। होली के दिन रात 12 बजे जब सभी लोग घर में सो रहे होते हैं, तभी शिप्रा अपनी सास के मुंह पर रंग लगा देती है और अभे के चेहरे पर भी। सुबह होली वाले दिन शिप्रा की सास अपने बेटे को देखकर खूब जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, अरे बिटवा, तेरी शक्ल तो एकदम बंदर जैसी लग रही है आज। अरे माँ, नींद से जागो, मेरी शक्ल नहीं बल्कि अपनी शक्ल देखो। अरे तेरे से तो अच्छी ही लग रही हूँ। तभी बोल रहा हूँ, जरा अपनी शक्ल तो देखो। रुको, आपकी एक फोटो खींच के दिखाता हूँ, तब आपको पता चलेगा। अभय अपनी माँ की फोटो लेकर उसको दिखाता है। अपनी शक्ल देखकर निर्मला कहती है, हाय राम जी, अरे ये किसने किया, और बेटा तेरे शक्ल पे भी रंग लगा है। क्या? हैप्पी होली, मैंने लगाया है कलर। अरे दिमाग ठीक है तेरा, मना किया था रंग मत लगाना, लेकिन तुझे तो समझ ही नहीं आता। अरे माँ जी, गुस्सा छोड़ो ना, और देखो आज होली है और होली के दिन नाराज नहीं होते। अरे आज के दिन तो दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, और आप तो मेरी सासू माँ है, और इन रंगों को देखिए ना, ये आपस में घुल मिलकर भी किसी से कोई भेदभाव नहीं करते। छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, सबके लिए रंग एक जैसे ही तो है, और आप इन्हीं से नाक चिढ़ा रही हैं। आज खुशियाँ मनाने का दिन है, जा यहाँ से, अब ज्ञान मत दे। शिप्रा उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद उसकी सास चुपके से एक बाल्टी में पानी लेती है और शिप्रा के ऊपर
डाल देती है और खूब सारा गुलाल भी उसे लगा देती है, जिस पर शिप्रा बोलती है, माँ जी ये सब आपने किया? बहू आज तो तूने मेरी आंखें खोल दी और सही मायनों में हमें रिश्ते और रंगों की अहमियत बता दी तूने, तो होली तो खेलना बनता है। अच्छा रुकिए, अभी बताती हूँ। शिप्रा भी एक बाल्टी पानी भरकर अपनी सास के ऊपर डाल देती है। पूरा घर ऐसे ही हंसी खुशी होली का त्योहार एंजॉय करता है और खुशियों से चहक उठता है। फिर सब मिलकर एक दूसरे के साथ अच्छे से होली मनाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये रंगीली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से हंसी खुशी होली मनाती हो? अगर हाँ तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।